दोस्तों बांस गाड़ते गाड़ते कुछ हमारा खेत ऐसा दिखने लगता है। ये देखिए उधर से वैसे बांधते आने के बाद सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे आंटी ऐसे कर ये तरतियों पे बल्ब बर के लगाए धागा बांध रहे हैं, पूरा बांधते जा रहे हैं। आपको दिख रहा होगा तीन मादे में लग रहा है पूरा अच्छे से। पहले ये देखिए, पहले मोटा वाला धागा, फिर बीच में ये पतला धागा, फिर नीचे एक पतला धागा, उसके बाद ये राजा रानी का कैंची है। नमस्कार दोस्तों, मैं उस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त, और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये देखिए इसको कहते हैं गलका और उस साइड लगा है तुरई। तो हम इसका ना इसको मंडप पे चढ़ाएंगे, तो आज हम आपको बताएंगे कि तार कैसे लगाते हैं, तार बांस पे इसको कैसे चढ़ाते हैं। तो आज हम बांस फैला रहे हैं। देखिए हमने जगह जगह बांस रख दिया है, आपको दिख रहा होगा नाली में हमने जगह जगह बांस रख दिया, अभी और पूरे खेत में रख रहे हैं। धीरे धीरे पूरा तार और बांस फैला देंगे, उसके बाद हम लगाना शुरू करेंगे, गाड़ेंगे, उसके बाद फिर उस पर तार लगाएंगे। तार या रस्सी अलग अलग टाइप से लोग अलग अलग तरीके से लगाते हैं, हम आपको दिखाएंगे प्रोसेस क्या है। आप भी देखिएगा और सीखिएगा, समझिएगा और अपने खेत में यही उपकरण लगाइएगा, नई तकनीक लगाइए और अच्छा पैसा कमाइए। तो आइए देखते हैं कि कैसे लगाया जा रहा है। मंडप लगाने के लिए देखिए हमारा ये बांस है पूरा, हम उठा के ले जा रहे हैं वहाँ खेत तक रखेंगे, उसके बाद फिर हम गाड़ना शुरू करेंगे इसको। ये हमारा पौधा देखिए कुछ इस साइज में आ गया है। नियमता तो हमें पहले ही लगा देना चाहिए था ताकि ये ऊपर चढ़ रहा होता, लेकिन बारिश होने की वजह से लेट हो चुका है, तो हम लेट से लगाना शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए हम अपना बांस गाड़ना शुरू कर रहे हैं, इसको एक फीट अंदर तक गाड़ेंगे और इसका डिस्टेंस रखेंगे। इसके बाद फिर जो अगला बांस गाड़ेंगे वो 6-6.5 फीट पे ले जाके गाड़ेंगे। और देखिए हमारा जो बांस है ना उसका लेंथ है टोटल 6 फीट, और देखिए हम 6-6.5 फीट पे 6.5 फीट पे इसको गाड़ रहे हैं। बस ऐसे ही गाड़ते चले जाएंगे, हर बांस को ऐसे ही गाड़ेंगे। और दोस्तों देखिए बांस गाड़ने में हमारे ना जो भी बांस दिख रहा है आपको, देखिए एकदम सीध में दिख रहा है ना सब बांस, ये बांस गाड़ने में यही सीधाई होनी चाहिए। ये सीधा रहेगा बांस ना तो क्या है कि आपका जब भी चढ़ेगा ना तो ये क्या गिरेगा नहीं, तो एक सीध में बांस होना चाहिए, आड़ा तिरछा नहीं गाड़ना है आपको, एक सीध में गाड़ना है। देखिए एकदम सीधा सीधा बांस गाड़ते जा रहे हैं, तो हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं। और ये बांस गाड़ने के प्रक्रिया के बाद क्या करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अभी आप देखिए बांस कैसे गाड़ रहे हैं। ये देखिए हमारे पास काला वाला रस्सी है और इसको हम ऐसे फंसा रहे हैं यहाँ पे, सबसे तिरछा खूंटा देखिए गाड़ दिया हमने और यहाँ पे ऐसे बांध दिया हमने, और ये देखिए हम ऐसे लगाते जा रहे हैं। ये देखिए कैसे बांधा जा रहा है। बस ऐसे फंसाते चले जाना है। सेम प्रोसेस हम हर बांस पे ऐसे करेंगे। उधर से वैसे बांधते आने के बाद सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी खूंटा गाड़ के रखे हैं यहाँ। ये देखिए दोस्तों हम उधर से रस्सी बांधते हुए आए, और ये देखिए बादल घिरे होने की वजह से ना दिखाई नहीं दे रहा है, ज़्यादातर दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा टाइप का हो गया। देखिए रस्सी दिख रहा होगा बंधा हुआ, और यहाँ पर भी सेम वैसे खूंटा गड़ा हुआ था हमारा, हमने उसमें बांध दिया है। और ये देखिए, और ये हमारा जो लकड़ी गड़ा हुआ है, जो बांस गड़ा हुआ है, एकदम एक सीध में है, एक सीध में सब बांस गड़ा हुआ है, एकदम एक एक सीध में होना चाहिए, ये ज़रूरी है ताकि गिरे ना। और जो आपका रस्सी बंधा हुआ है ये भी एक सीध में बंधा होना चाहिए। हम आपको पूरा दिखाते हैं। अभी देखिए हमारा दूसरे मादे पे बांस की गड़ाई चालू है। ये देखिए सिंगल बांस है, हम डबल नहीं लगा रहे हैं, ये सिंगल लगा रहे हैं। डबल डबल केवल बीच बीच में आपको देखने को मिल सकता है लगाया हुआ,
और हर जगह नहीं मिलेगा, कहीं कहीं बीच में हम लगा रहे हैं डबल, बाकी पूरा सिंगल बांस है। जिनके पास ज़्यादा बांस होता है वो डबल भी लगाते हैं, लेकिन हमारे में ज़्यादा बांस है नहीं अपने पास, तो सिंगल बांस लगा रहे हैं। तो देखिए, और बीच बीच में हम आपको डबल बांस भी लगा रहे हैं, तो वो दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे डबल बांस लग रहा है, तो ये आपको दिखा रहे हैं हम। यह ऐसे लगा रहे हैं दोस्तों, हमने डेमो के तौर पर देखिए, हमने बीच में भी बांधा है और नीचे भी बांधा है, ये ऐसे बांधते हुए चले जाते हैं। उसके बाद ये देखिए जो सफ़ेद वाला है, इसका नाम है राजा रानी। आपने अगर लौकी वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें किसान ने बताया था इसका नाम है राजा रानी। तो इसको कैसे फंसाया जाता है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिएगा, पहले ऐसे बांध लेते हैं नीचे, उसके बाद फिर ऐसे दोबारा बनाएगी, कोशिश करिए कि आंटी हो जाए, इससे लपटा रही तो खींचाएंगे। आंटी जाए तो बने, आंटी जाए चाहिए, ये ऐसे ही करते जाते हैं। और ये अपर साइड में भी देखिए सेम वही प्रोसीजर रहेगा। दोस्तों देखिए, मंडप में ऐसा ही किया जाता है, ये ऐसा ही सेम पूरे खेत में फैला दिया जाएगा। ऐसे आपको मकड़ी के झाला के तरह पूरा दिखाया जाएगा। दोस्तों बांस गाड़ते गाड़ते कुछ हमारा खेत ऐसा दिखने लगता है, ये देखिए। पूरा बांस गाड़ने के बाद फिर हम ये देखिए वहाँ तक, जहाँ तक आपको दिख रहा होगा लगा हुआ, वहाँ तक बांस गाड़ने के बाद फिर हम रस्सी बांधना चालू करेंगे, तो आपको और दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे पूरे खेत में बांस लगभग गड़ चुका है, लगभग क्या पूरा ही गड़ चुका है। अब हम इस पर रस्सियाँ बांधना शुरू करेंगे, वो आपको हम दिखाएंगे। रस्सियाँ बांधेंगे, फिर नीचे दो दो रस्सियाँ लगाएंगे, उसके बाद फिर राजा रानी जैसे लगाए फंसाते चले जाएंगे कैंची, वो भी आपको दिखाएंगे। ये पूरा लगाते लगाते और हम इस प्रोसीजर में आ गए हैं कि धीरे धीरे देखिए, ये रस्सियाँ बांध चुके, काले वाला बांध चुके हम लोग, फिर नीचे भी बांध चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ करीब से, ये देखिए ये काला वाला बांध चुका है, फिर बीच में एक रस्सी बंधा हुआ है, फिर नीचे बंधा हुआ है। अब हम ये देखिए राजा रानी धागा बांध रहे हैं, पूरा बांधते जा रहे हैं। आपको दिख रहा होगा तीन मादे में लग रहा है पूरा अच्छे से। और हम पहले लगा दिए होते तो ये अपने आप ही चढ़ जाता, तो इसको चढ़ाना पड़ रहा है, एक एक पौधे को पकड़ पकड़ के चढ़ा दे रहे हैं। सेम प्रोसेस किया जा रहा है, और लगाने का प्रोसीजर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, फाइनली हमारा बनके तैयार हो चुका है, पूरा अच्छे से मंडप लग चुका है, और हमने इस पर नार भी चढ़ा दिया इसका। ये देखिए हमने पूरे खेत में लगा दिया मंडप। ये सिंगल बांस वाला है दोस्तों, डबल बांस का भी लगाया जाता है। ये सिंगल बांस वाला है, आप देख रहे हैं कितना बढ़िया से हमने लगाया है। पहले ये देखिए, पहले मोटा वाला धागा, फिर बीच में पतला धागा, फिर नीचे एक पतला धागा, उसके बाद ये राजा रानी का कैंची है। देखिए जैसे इसको बांधा गया वैसे आप भी बांधिएगा, ये बेस्ट तरीका है खेती करने का। कम जगह में अगर आपको कोई नार वाली फसल लगानी है तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं, मंडप का यूज़ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया खेती होगी आपकी, बहुत अच्छे से फलता है। इसमें कई चीज़ों का नुकसान नहीं होता आपके फल में, जैसे कि आपके फल में सड़न नहीं होता है, दाग नहीं लगता है, ये सब का बहुत प्रॉफिट होता है। ये आप देख रहे होंगे कितना बढ़िया हमने लगाया था।
तो ठीक है दोस्तों, बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और इसके और बढ़ाव का हम लोग वीडियो और भी डालेंगे, नेक्स्ट पार्ट भी इसका आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपके जो भी किसान भाई दोस्त हैं उनके पास शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसी खेती कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।